हेलो व्यूअर्स, माय सेल्फ रेणुका शर्मा फ्रॉम गवर्नमेंट वीमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज का हमारा विषय है प्रिकॉशन टू बी टेकन टू प्रिवेंट कॉस्मेटिक एलर्जी, अर्थात जब हम कॉस्मेटिक को यूज़ में लेते हैं तो उनसे होने वाली एलर्जी से किस प्रकार से बच सकते हैं। उनके प्रिवेंशन से पहले हम इस विषय के अंतर्गत कुछ कॉस्मेटिक एलर्जन और वे किन किन प्रोडक्ट में पाए जाते हैं और कौन कौन सी एलर्जी हमें हो सकती है, पहले उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले व्हाट इज कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक्स किसे कहते हैं। अ कॉस्मेटिक इज डिफाइंड एज अ टॉपिकल अप्लाइड प्रोडक्ट दैट इज यूज टू ब्यूटिफाई क्लींस और प्रोटेक्ट द हेयर स्किन टीथ और कॉम्प्लेक्शन, अर्थात कॉस्मेटिक वास्तव में एक प्रोडक्ट है जिसमें का उपयोग बाल, त्वचा, दांत या रंग को सुशोभित, साफ करने या सुरक्षा देने के लिए किया जाता है। जो हम कॉस्मेटिक यूज़ में लेते हैं तो उसमें एलर्जन से बचने के लिए उसमें कोई मेडिसिन का ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि त्वचा के कार्य और उसकी संरचना को प्रभावित करता हो मिक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी शरीर की आवश्यकता अनुसार कुछ प्रोडक्ट्स या कॉस्मेटिक जैसे एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, स्किन ट्रीटमेंट क्रीम है, कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूवमेंट क्रीम्स है या एक्ने ट्रीटमेंट इत्यादि, ऐसे कई कॉस्मेटिक्स में मेडिसिंस मिक्स होती है। तो इन प्रोडक्ट्स को यूज़ में लेते समय हमें निर्माता के निर्देशानुसार उसे कार्य में लेना होता है, साथ ही उसे डॉक्टर के परामर्श से यूज़ में लेना चाहिए। 2010 में एक स्किन साइंस के अंतर्गत अध्ययन किया गया जिसमें पाया गया कि 900 से अधिक प्रतिभागियों में से एक से अधिक को कॉस्मेटिक्स से कम एक एलर्जी जरूर थी, अर्थात यदि 900 पर्संस पे रिसर्च की गई तो उनमें एक ना एक पर्सन ऐसा जरूर होता था जिसमें कॉस्मेटिक में पाए जाने वाले किसी भी प्रोडक्ट से एलर्जी होती थी। कॉस्मेटिक्स कौन कौन से होते हैं उसके आवश्यकता अनुसार उन्हें कई समूहों में विभाजित किया जाता है, जैसे चेहरे का मेकअप, फेस मेकअप में आता है आईज, लिप्स, ब्लशर, फाउंडेशन, ये सारे फेस पर यूज़ करने वाले कॉस्मेटिक्स है। नेल्स कॉस्मेटिक तो नेल पॉलिश, आर्टिफिशियल नेल्स, स्किन केयर में क्लींजर, मॉइस्चराइजर, टोनर, हेयर केयर में शैम्पू, हेयर डाई, हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट्स, ओरल केयर में टूथपेस्ट, माउथ वॉश, बॉडी क्लींजर में सोप, बाथ एडिटिव्स, शावर जेल, शेविंग में शेविंग फोम, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव, फ्रेग्रेंस और परफ्यूम्स, इसमें डिओड्रेंट, एंटीपर्स्पिरेंट तथा सन प्रोटेक्शन में सनस्क्रीन, लोशन इत्यादि आते हैं। पूरे वर्ल्ड में कॉस्मेटिक्स से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ नियामक बनाए गए हैं जो ये निश्चित करते हैं कि यह कॉस्मेटिक्स उन्हें पर्यावरण, उपभोक्ता द्वारा उपयोग करने वाले श्रमिकों के लिए सुरक्षित है। जैसे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फेडरेशंस बने हुए हैं जो इनसे सुरक्षा प्रदान
करने का कार्य करते हैं। जैसे अगर न्यूजीलैंड में देखा जाए तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ग्रुप स्टैंडर्ड बना होता है, एनवायरमेंट प्रोडक्शन बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में NICNS कॉस्मेटिक गाइडलाइंस दी गई है, और यूनाइटेड स्टेट में फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बने हैं। इसी प्रकार से इंडिया में भी फूड एंड ड्रग कंट्रोलर एक्ट बने गए हैं, जो कि इन कॉस्मेटिक्स या ड्रग्स इत्यादि से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। यह भी एक अनुमान लगाया जाता है कि औसतन प्रत्येक दिन महिलाएं कम से कम 7 प्रकार के कॉस्मेटिक यूज़ में लेती है, जैसे लिपस्टिक है, बॉडी लोशन है, काजल है, क्रीम्स है। इस प्रकार से कम 7 टाइप्स के कॉस्मेटिक्स फीमेल्स यूज़ में लेती हैं, और इनमें से किसी न किसी पर, किसी के द्वारा किसी न किसी पर कोई ना कोई रिएक्शंस होते हैं। यह कोई आवश्यक नहीं है कि एक कॉस्मेटिक के किसी इंग्रेडिएंट से किसी एक पर्सन को रिएक्शन है तो किसी दूसरे को भी उससे रिएक्शन होगा और एलर्जी हो सकती है। किसी का भी किसी भी प्रोडक्ट से रिएक्शन हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है किसी पर्सन को कोई रिएक्शन नहीं हो। 10% तक आबादी पूरे जीवन काल में कॉस्मेटिक्स लिए कुछ प्रकार की रिएक्शंस करती हैं। यह अगर इस पर रिसर्च की जाए तो यह एनालिसिस और भी अधिक हो सकता है, क्योंकि कई बार घर पर होने वाली कई कॉस्मेटिक्स रिएक्शंस जो होते हैं उनको स्वयं ही ठीक कर लिया जाता है। व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन कैन ऑक्योर, किस प्रकार के रिएक्शंस हो सकते हैं। जैसे सौंदर्य प्रसाधन प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला का उत्पादन कर सकते हैं, अर्थात कॉस्मेटिक्स के द्वारा रिएक्शंस जो होते हैं उसमें एक पूरी सीक्वेंस हो सकती है। जैसे कॉन्टैक्ट यूर्टिकेरिया है ना, इस स्थिति में एक पॉइंट पर या पर्टिकुलर जिस स्थान पर वह उससे कॉन्टैक्ट होता है उस जगह पर जलन हो सकती है, झुनझुनी सी फीलिंग्स हो सकती है, खुजली मचने लगती है, खुजलाने के बाद में वहाँ पे छोटे छोटे से रैशेस हो सकते हैं, छोटे दाने हो सकते हैं, और कई बार फिर थोड़ी और बढ़ के वहाँ पे रेडनेस हो सकती है, और कई बार उसमें वहाँ उस स्थान पर स्वेलिंग भी हो सकती है। यह उस एलर्जन के कॉन्टेक्ट में आने के 1 घंटे के भीतर भीतर हो सकती है, और यह लगभग 24 घंटे के बाद में यदि उस कॉन्टैक्ट छूट जाता है उस स्थिति से, उस एलर्जन से, तो 24 घंटे के बाद में वह अपने आप ही ठीक होने लगता है। एनाफिलैक्सिस, एनाफिलैक्सिस में एलर्जन के कॉन्टैक्ट में आने पर सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, एकदम जी मिटलाने लगता है, उल्टी हो जाती है, कई बार पित्ती जैसे बड़े बड़े से एकदम अचानक से दाने खड़े हो जाते हैं जिसमें खुजली होती है, और एंजियोडर्मा हो सकता है। यह एंजियोडर्मा कुछ अधिक ही घातक होता है, वैसे यह एंजियोडर्मा बहुत कम होता है। हेयर डाई से भी इस प्रकार की एलर्जीज होती है, जिसमें एकदम ही सांस लेने में कठिनाई हो जाती है, जी घबराता है, उल्टी होने लग जाती है, कई बार व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है, और यदि उसे समय पर इलाज नहीं मिल पाता है तो उससे डेथ भी हो सकती है। इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के सभी मामलों में 80% कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है, अर्थात व्यक्ति को किसी ऐसी चीज़ के संपर्क में आता है जिससे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होती है, और उसमें कई बार वह इरिटेशन बहुत अधिक होने के कारण स्वेलिंग भी हो सकती है, खुजली होती है, पपड़ीदार त्वचा पर लाल चकते पैचेस के रूप में होने शुरू हो जाते हैं, उसमें फफोले हो सकते हैं, जगह जगह पर फफोले भी हो सकते हैं, और यह रिएक्शन केवल कुछ मिनटों से लेकर
लगभग 24 घंटों के भीतर हो सकती है। इसके कारण कमजोर, चिड़चिड़ापन भी होना शुरू हो जाता है, कमजोरी फीलिंग रखती है, और यह रिएक्शंस एक दिन से लेकर कई वीक्स तक भी हो सकती है। देन एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जब किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी प्रणाली एक के प्रति संवेदनशील होती है, सॉरी एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस समय जब व्यक्ति की इम्यूनिट पावर कम होती है और व्यक्ति किसी एक विशिष्ट पदार्थ के प्रति एलर्जिक होता है या वह उसके प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होता है तो उसे एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। इस स्थिति में लगभग एलर्जन के संपर्क में आने के बाद में 12 घंटे से अधिक समय तक वह विकसित होता रहता है और उसका एक्सपोजर के बाद में लगभग 48 घंटे पर वह अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर अर्थात पीक पर होता है। इस स्थिति में एकदम रेडनेस आनी शुरू हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, बहुत तेज खुजली मचती है। ये चेहरे, होठों, आँख, कान, गर्दन इन जगह पर सबसे अधिक होता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी एलर्जन के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि उसे किस चीज़ से एलर्जी है और इसका बचने का सही तरीका भी पता होना चाहिए। फोटो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। फोटो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में कॉस्मेटिक में एक इंग्रेडिएंट के साथ में सूर्य के प्रकाश की रिएक्शन के कारण होता है, अर्थात फोटो वे कुछ कॉस्मेटिक जिसमें जो इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं वह जैसे ही सन रेजेस के संपर्क में आते हैं और वह उसके कारण रिएक्शन होना प्रारंभ हो जाता है और कुछ लोग को इससे बहुत अधिक रिएक्शन होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस व्यक्ति को इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का खतरा हो सकता है और वह वास्तव में एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की संभावना को भी बढ़ाता है। यदि एक प्रकार की कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होती है तो वह उससे दूसरी डर्मेटाइटिस को बढ़ाने का वह कार्य करता है। स्किन बैरियर फंक्शंस कमज़ोर हो जाते हैं और स्किन एलर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। ऐसा कई बार होता है कि यदि हम किसी प्रोडक्ट को लंबे समय से काम में ले रहे होते हैं, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, लेकिन अचानक ही वह प्रोडक्ट हमारे प्रति रिएक्शंस करना शुरू कर देता है तो वह भी डर्मेटाइटिस का एक कारण बनता है। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि यदि हम किसी प्रोडक्ट को लंबे समय तक यूज़ में ले रहे हैं तो वह हमारे लिए एलर्जन नहीं हो सकता है, वह भी कभी भी किसी भी समय एज अ एलर्जन कार्य कर सकता है। व्हाट आर द एलर्जन इन कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स में कौन कौन से एलर्जन पाए जाते हैं। कॉस्मेटिक्स की रेंज बहुत अधिक बड़ी होती है, इस कारण एलर्जी का पूल भी बहुत विशाल होता है। एलर्जी के समूह में कई बार जो वह समूह जो सबसे अधिक बार कॉस्मेटिक एलर्जी का कारण बनते हैं वह हेयर डाई में पाए जाने वाले सुगंध संरक्षण पैराफिनेल फिनेल्डिमाइन आदि होते हैं। सबसे पहले फ्रेग्रेंस। सुगंध सौंदर्य प्रसाधन से कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का सबसे एक मुख्य कारण होता है। सौंदर्य प्रसाधन में लगभग 5,000 से अधिक
सुगंध का यूज़ किया जाता है। ये इत्र, शैम्पू, कंडीशनर, मॉइस्चराइज़र, चेहरे के सौंदर्य प्रसाधन और दुर्गंध सहित अधिकांश प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन मौजूद होते हैं। फ्रेग्रेंस सौंदर्य प्रसाधन के कारण कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकती है। सेकंड, प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव सौंदर्य प्रसाधन से एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का दूसरा सबसे मुख्य कारण होता है। सौंदर्य प्रसाधन में पाए जाने वाले कुछ प्रिजर्वेटिव निम्नलिखित होते हैं, जैसे पैराबेंस। यह अधिकांश फेशियल व स्किन केयर कॉस्मेटिक्स में पाए जाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, यह अधिकांशतः शैम्पू में पाया जाता है। क्वांटेरियम 15, आइसोथियोनाइलजोलिन 1 एंड स्पेशल मेथाइलिसोथायाजोलिन। यह प्रिजर्वेटिव सौंदर्य प्रसाधन में से बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करते हैं, लेकिन कई बार इनसे एलर्जी भी होती है। जिन कॉस्मेटिक्स में पानी होता है उनमें बैक्टीरिया या फंगल वृद्धि को रोकने के लिए प्रिजर्वेटिव पाए जाते हैं, और इन्हीं प्रिजर्वेटिव से कई बार एलर्जन भी हो जाते हैं। पैराफिनाइल एमिडाइन इन हेयर डाई। पैराफिनाइल एमाइडाइन फ्रेग्रेंस और प्रिजर्वेटिव के बाद में तीसरा सबसे बड़ा घटक होता है जो एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का कारण होता है। इसका उपयोग स्थायी रूप से हेयर डाई में सबसे अधिक रूप से किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा नेचुरल कलर प्राप्त होता है। पीपीडी के प्रति रिएक्शन से ऊपरी पलकों पर, कानों के रिम में आदि ऐसे स्थानों पर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकती है। यह खोपड़ी, चेहरे आदि पर अधिक रूप से गंभीर हो जाती है। कॉस्मेटिक्स में कुछ और एलर्जन हैं जिनके कारण एलर्जी हो सकती है, जैसे लैनोलिन, जिसे में वूल अल्कोहल पाया जाता है, कोकोनट डाई इथेनोमाइट, ग्लिसरल मोनोथायोग्लाइकेट, मेथाइल डाई ब्रोमो ग्लूटोनिट्राइल, रोजिन, प्रोपाइल्स, थायोमिजरल्स, सनस्क्रीन एलर्जन और नील कॉस्मेटिक एलर्जन्स। इन कॉस्मेटिक्स के कारण कई बार कॉस्मेटिक एलर्जी हो सकती है। प्रिवेंशन ऑफ कॉस्मेटिक एलर्जी। कॉस्मेटिक एलर्जी से किस प्रकार से बचाव किया जा सकता है? सौंदर्य प्रसाधन से यदि किसी व्यक्ति को एलर्जी है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि वह उन सभी कॉस्मेटिक्स का उपयोग नहीं करे जिसमें एलर्जन पाया जाता है। लेकिन सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में कॉस्मेटिक यूज़ में लेते हैं। कई बार उन्हें उसमें एलर्जन के बारे में जानकारी नहीं होती है और कई बार वह उसे यूज़ में लेने से नहीं रह पाते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सभी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर जो इंग्रेडिएंट की सूची होती है उसे पढ़े और यह जानकारी रखे कि उसमें कौन से एलर्जन है। प्रोडक्ट्स का पैश टेस्ट करें। जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ में ले रहे हैं या पहली बार यूज़ में ले रहे हैं, तो हम उसे रिस्ट के
अंदरूनी भाग पर या एल्बो के अंदरूनी भाग पर छोटा सा पैच टेस्ट करके नए कॉस्मेटिक को टेस्ट कर उसे 24 से 48 घंटों तक छोड़कर उसका रिएक्शन देख सकते हैं। एलर्जी को कम करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज़ करें जिसमें एलर्जन कम से कम हो या उसमें ऐसे पदार्थ भी मिले हुए हो जो एलर्जी के प्रभाव को कम करते हों। फ्रेग्रेंस या परफ्यूम को त्वचा की बजाय कपड़ों पर हमें यूज़ में लेना चाहिए। इसे कपड़ों पर लगाने से पहले थोड़ा दूरी से काम में लेना चाहिए जिससे वह इत्र सूख जाए। ऐसे प्रोडक्ट को तलाश करने चाहिए जो हाइपो एलर्जेनिक, सुगंधरहित और गैर कॉमेडोनिक हो। हमें ध्यान रखना है कि अभी भी किसी कारण से रिएक्शन हो सकता है। मेकअप करने से पहले अपने हाथों व चेहरे को धो लेना चाहिए। कभी भी किसी और के कॉस्मेटिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम दूसरे के जो बैक्टीरिया पाए गए थे वह हम अपने साथ उन्हें साझा कर रहे हैं और हम एलर्जन को बढ़ाने का कार्य करते हैं। आई मेकअप न करें। ऐसे सभी प्रोडक्ट या कॉस्मेटिक जिन्हें हम उस समय यूज़ में ले रहे थे जिस समय हमारी आई में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रखा था, यदि उस दौरान जो भी प्रोडक्ट काम में लिए तो हमें उन्हें उसी समय हटा देना चाहिए, अन्यथा वह पुनः इन्फेक्शन को बढ़ाने का कार्य करते हैं। पुराने कॉस्मेटिक्स को हटा दें। जब भी हम किसी फाउंडेशन या कॉस्मेटिक्स की बोतल को खोलते हैं तो हवा में स्थित माइक्रो बैक्टीरियास को भाग जाने का अवसर मिलता है, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स में जो प्रिजर्वेटिव पाए जाते हैं वह उन्हें रोक के रखने का या उन्हें मारने का कार्य करते हैं। वे उन्हें लगभग एक वर्ष तक सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। इसलिए जब भी हम इन्हें खोलते हैं तो वह प्रिजर्वेटिव्स और इस तरह के बैक्टीरिया वह बाहर चले जाते हैं और प्रिजर्वेटिव का ड्यूरेशन समाप्त होने के पश्चात उनमें नए बैक्टीरिया डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें एक साल से पुराने प्रोडक्ट्स को हटा देना चाहिए। जब भी यदि हम किसी नए कॉस्मेटिक का फर्स्ट टाइम यूज़ करें तो हमें पैच टेस्ट अवश्य करना चाहिए या हम शॉपकीपर से उसके फ्री सैंपल्स लेकर पैच टेस्ट कर सकते हैं। काजल लगाते समय भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। काजल, लाइनर या मस्कारा हमें लैशेस के 2/3 भाग पर यूज़ में लेना चाहिए। उन्हें आई से टच करते हुए बिल्कुल जड़ों में नहीं लगाना चाहिए। आईलाइनर को पलकों के इंटरनल पार्ट पर अप्लाई नहीं करना चाहिए, जैसे अपर आईलिड की लेशेस पर, आईलिड के ऊपर वाले भाग पर बाहर की और नीचे लोअर आईलिड की पलकों के बाहर वाले भाग पर लगाना चाहिए। कॉन्टैक्ट लेंस पहनने वाले को फ्रॉस्टेड आई शेडो से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार इसके कण उछलकर आंखों में चले जाते हैं और यदि वह लेंस से चिपक जाते हैं तो वह कॉर्निया को डैमेज कर सकते हैं। कॉस्मेटिक्स पर आजकल हर्बल या नेचुरल शब्द का बहुत अधिक यूज़ में लिया जाता है, तो इस प्राकृतिक या हर्बल शब्द से हमें गुमराह नहीं होना है, क्योंकि यदि आपको नेचुरल प्रोडक्ट से भी एलर्जी है तो भी आपको एलर्जन हो सकती है, या कई बार नेचुरल तरीके से लिए गए
कॉस्मेटिक्स में भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं जो कि एलर्जन हो सकते हैं, जैसे भेड़ की ऊन से निकाला गया लेनोनिन का, और वह कई मॉइस्चराइजर में एक घटक पाया जाता है जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का एक कारण बनता है। कभी भी यदि हम कोई यात्रा कर रहे हैं, किसी बस से, ट्रेन से, या टू व्हीलर पे, फोर व्हीलर पे, तो इस दौरान हमें कभी भी आईलाइनर, मस्कारा, काजल, पेंसिल आदि इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अन्यथा कभी कहीं बम्प आने पर या कोई झटका लगने पर यह चीज़ें हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। कई बार मस्कारा, लाइनर आदि सूखने पर हम उसमें पानी डालकर यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको यूज़ में लेने पर इसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते सकते हैं और जो कि इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। मस्कारा, काजल, लाइनर आदि को 3 महीने पश्चात उपयोग में नहीं लेना चाहिए। सोने से पहले सभी कॉस्मेटिक साफ करके सोए, जिससे स्किन भी हेल्दी रहती है और कॉस्मेटिक से रिएक्शंस भी नहीं होते हैं, और हमारे पोर्स भी एकदम क्लीन होते हैं, जिससे हम कई रिएक्शन से बच जाते हैं। आईब्रो, आईलेशेस आदि पर हेयर डाई का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एलर्जी और ब्लाइंडनेस का कारण बन सकते हैं। अमेरिकन FDA द्वारा किसी भी प्रकार के कलर एडिटिव्स को इंजेक्शन द्वारा त्वचा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि कलर एडिटिव्स कई बार शरीर में प्रवेश करने के पश्चात बहुत अधिक रिएक्शंस दे सकते हैं, जिससे कई बार व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इसी कारण टैटू बनाने वाले को 1 साल तक ब्लड डोनेट नहीं किया करना चाहिए, क्योंकि टैटू से इन्फेक्शन की संभावना रहती है और ब्लड डोनेट करने पर वह इन्फेक्शन दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है। पेंसिल शेप कॉस्मेटिक्स को भी सही प्रकार से शेप करके रखना चाहिए, उन्हें बहुत अधिक पॉइंटेड नहीं रखना चाहिए, जिससे कि कहीं चुप कोई रिएक्शन हो सके। आई मेकअप अप्लाई या रिमूव करते समय वह आँखों में नहीं जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गुड क्वालिटी के कॉस्मेटिक ही उपयोग में लेने चाहिए, अन्यथा बैड क्वालिटी या लो क्वालिटी के कॉस्मेटिक्स में कई बार ऐसे प्रोडक्ट मिले होते हैं जो एलर्जी का कारण बनते हैं। क्लाइंट का हमेशा रिकॉर्ड कार्ड भर के रखना चाहिए, जिससे हमें उससे होने वाली एलर्जी या एलर्जन इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। कोई भी कॉस्मेटिक यदि आंखों में चला जाए तो तुरंत आंखों को पानी से धो लेना चाहिए, और यदि फिर भी ठीक ना हो तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श कर या डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। यदि कॉस्मेटिक्स के उपयोग के पश्चात यदि कोई सीवियर प्रॉब्लम प्रस्तुत होती है, तो क्लाइंट को उसी समय एंटी एलर्जन टैबलेट देने के साथ साथ डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, जिससे उसका समय पर उपचार प्रारंभ हो सके। क्या यह पॉसिबल है कि कॉस्मेटिक एलर्जी से बचा जा सके? हाँ, कॉस्मेटिक एलर्जी से बचने का केवल एक ही सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, वह यह है कि हम कॉस्मेटिक्स यूज़ में नहीं लें। लेकिन यह इम्प्रैक्टिकल होने के कारण हमें कॉस्मेटिक्स को कम से कम मात्रा में
उपयोग में लेने की कोशिश करनी चाहिए या इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को यूज़ में ले जिसमें एलर्जन कम से कम मात्रा में हो। कुछ कॉस्मेटिक्स पर आजकल लेबल लगा होता है अनसेंटेड और फ्रेग्रेंस फ्री, तो हमें इन दोनों के मध्य डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि अनसेंटेड प्रोडक्ट्स में फ्रेग्रेंस मिली होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में, कई बार उसमें मिक्स केमिकल्स में भी फ्रेग्रेंस पाई जाती है। वहीं फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट में फ्रेग्रेंस नहीं पाई जाती है, तो हमें फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स को यूज़ में लेना चाहिए तथा हमें जिस प्रोडक्ट से एलर्जी है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए जिससे हम उसे यूज़ में न ले व उसकी एलर्जी से बच सके। थैंक यू।